परिष्कार की बात की और हमारे लिए एक चिंता का विषय भी दिया कि लंबे समय से बांधने वाली कविता नहीं लिखी गई है। साहित्य, संस्कृति और राजनीति, इन अंतर संबंधों की पड़ताल बहुत ही गंभीर शब्दों में बहुत ही गंभीरता से प्रोफेसर शुक्ल ने हमारे सामने रखा। अभी संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। गोयनका जी ने प्रेमचंद के अध्ययन के नए नए वातायन हमारे सामने खोले। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और साहित्य के हर पक्ष को, हर पहलू पर आपने इतना काम किया है कि पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। इस समय यह केंद्रीय हिंदी संस्थान में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। मंच पर बैठे मेरे मित्र प्रोफेसर रजनीश जी और डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और कृष्णा जी और जो जनसत्ता के संपादक चले गए मुकेश भारद्वाज जी, उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। मुझे बहुत इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये जो विषय है ये मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में बड़ा शाश्वत विषय है। मेरी आवाज़ आ रही है? ये विषय मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी में, जो मेरी पीढ़ी विद्यार्थी थी और आपकी नई पीढ़ी जो आज मेरे सामने है, ये ऐसा विषय है जो बहुत ही एक ऐसा शाश्वत मुझे विषय लगता है कि इस पर निरंतर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी पीढ़ी ने इस पर भी सोचा था और आपकी पीढ़ी भी आज आपके सामने उसके विचार करने के लिए ये गोष्ठी रखी गई है। मनुष्य का जो जीवन है वो इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें मनुष्य जीव सृष्टि है और जीव में जो मानवीय समाज है, उस मानवीय समाज का सीधा संबंध मनुष्य की अपनी संवेदनाओं से है, उसका संबंध साहित्य से जुड़ जाता है। जब मनुष्य निरंतर एक जीवन को एक ढांचे में ढालने की कोशिश करता है तो उससे संस्कृति का जन्म होता है, और जब मनुष्य राजनीति की तरफ जाता है तो वो उस समाज को शासित करने के लिए शक्ति का संचय करता है, और कई बार मनुष्य की जो विचार तत्व है, दर्शन है, उससे जब राजनीति प्रभावित होती है तो पूरा समाज प्रभावित होता है, संस्कृति प्रभावित होती है और साहित्य प्रभावित होता है। तो ये आप समझिए कि ये तीनों विषय ऐसे हैं कि आप इनके बिना आज वर्तमान समाज में इसको बिना विचार किए रह नहीं सकते हैं। आप साहित्य नहीं भी पढ़ें लेकिन साहित्य के जो मूल तत्व हैं वो संवेदना है, अनुभूतियाँ हैं, मनुष्य के साथ एक दूसरे के संबंधों का इतिहास है, वो आपको जीना ही पड़ेगा। आप कविता लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप साहित्य पढ़ें ना पढ़ें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने जीवन में साहित्य को जीते हैं। जब मनुष्य मनुष्य के संबंध में की एक गरिमा बनती है, एक मर्यादा बनती है, तो एक प्रकार से आप साहित्य के उन तत्वों को ही जी रहे होते हैं। और संस्कृति, आप जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जो उस परिवार के संस्कार हैं, उसकी मर्यादाएं हैं, उनके साथ जब आप जीते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो पूरी एक संस्कृति के साथ जन्म होता है। आप जिस भी परिवार में पैदा हों उसकी एक सांस्कृतिक चेतना होती है और उसी के साथ आपका जन्म होता है, और उसके साथ आप सारा जीवन उसके सुख दुख से, उसके गुण अवगुण से बराबर टक्कर लेकर के जीवन को आगे चलाते चलते हैं। राजनीति हमने जैसे देखी है इस भारतवर्ष में, आपने देखा होगा कितने विदेशी लोगों ने आक्रमण किया देश की सत्ता को अधिकार करने के लिए, यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए, और हमने ये देखा कि कैसे राजनीति संस्कृतियों को ध्वस्त कर देती है। अगर आप नालंदा और तक्षशिला का थोड़ा सा दौर के लिए विचार करें तो वो राजनीतिक शक्ति थी जो धर्म के द्वारा संचालित थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान की दुनिया का नाश कर दिया। तो आप समझिए कि राजनीति कई बार संस्कृतियों को नष्ट करती है और संस्कृतियाँ फिर जीवित होती हैं, और इस ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। आप थोड़ी कल्पना करके देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो हजारों पुस्तकें थी, अगर आज वो हमारे पास होती तो प्राचीन भारत का ज्ञान, कितना ज्ञान विज्ञान आज हमारे पास होता। लेकिन उन पुस्तकों के माध्यम से
जैसा इतिहास में कहा गया है कि 6 महीने तक हमाम के पानी को गर्म किया गया उन पुस्तकों की आपके माध्यम से, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 अध्यापक थे। तो ये जो संकट है राजनीति का, बड़ा भयानक संकट है। और आपको मालूम है कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई पूरे रूस में और पूरे यूरोप में, कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, तो उन्होंने कैसे उस हर देश की राष्ट्रीयता को ध्वस्त किया। और भारतवर्ष में तो आपने देखा है कि आपको अगर जो इतिहास कहता है कि पाकिस्तान के निर्माण में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, और किस तरह से उन्होंने लाल साहित्य को बड़ा वितरित किया, देश में क्रांति होगी और सारा पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, मनुष्य बराबर बराबर हो जाएगा, इसका उत्तर भी साहित्य ने दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस सारी चीज़ का उत्तर एक दिया। वहाँ प्रेमचंद की चर्चा हुई तो मैं थोड़ा प्रेमचंद पर ही आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने जो बात कही थी, उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के जो भाषण था उनका अध्यक्ष के रूप में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जो साहित्य है वो केवल मन बहलाव के लिए नहीं है, वो साहित्य जो है वो राजनीति के पीछे चलने वाली विषय नहीं है, साहित्य तो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। इस भाषण में प्रेमचंद ने जो बात कही है वो उस बात की चर्चा कोई नहीं करता है। उसमें उन्होंने कहा कि साहित्य मन का संस्कार करता है। उन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, इसको आप वामपंथी कभी स्वीकार ही नहीं करते। और उनका जो सेवा है वो बहुत बड़ा पुरस्कार है मनुष्य के जीवन का। तो ये सारे सांस्कृतिक मूल्य हैं जो प्रेमचंद अपने उस व्याख्यान में दे रहे थे, जो प्रगतिशील लेखक संघ का के माध्यम से उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भाषण दे रहे थे। मेरा ये कहना है कि साहित्य जो है बिना संस्कृति के चल नहीं सकता। अगर साहित्य शुद्ध रूप से राजनीतिक विचार को लेकर चलेगा तो वो जीवन से दूर होगा और संस्कृति से भी दूर हो जाएगा। और कोई भी महान साहित्य बिना सांस्कृतिक तनाव के महाकाव्य नहीं बन सकता। हम जानते हैं कि रामायण और महाभारत जो इतने महान ग्रंथ हैं, वो राजनीति, उनमें राजनीति है लेकिन सांस्कृतिक जीवन का जो जैसा चित्रण उनमें हुआ है वो उनको एक महाकाव्य के रूप में, हमारे सारे जीवन में हम उसको महाकाव्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी बहुत सी मान्यताएं हमारे जीवन का अंग बन गई है। हम कई बार उन मूल्यों को जीते चलते चले जाते हैं और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक वो सारे मूल्य और मर्यादाएँ चलती चली जाती हैं। तो आप ये समझिए कि जो साहित्य है वो संस्कृति का वाहक है, और साहित्य जो है वो राजनीति को चुनौती वाली देने वाली शक्ति भी है। तो ये मुझे लगता है तीनों चीज़ों में अगर मैं विचार करूँ तो साहित्य शायद मेरे दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से दोनों विषयों के संबंध में हम गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी गंभीरता से आपके सामने बातें रखी हैं। रजनीश जी ने तो बहुत विस्तार से आपको इन सारे के अंतर संबंधों को समझाने की कोशिश की है। मैं उस तरह से उतना विस्तार में जाने की शायद मेरी क्षमता भी नहीं है। मैं केवल आपको तीन या चार कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद की उल्लेख है तो मैं प्रेमचंद की ही वो कहानी के माध्यम से इन विषयों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है कि साहित्य राजनीति को कैसे जीवित करता है, साहित्य राजनीति के कौन से तत्व को आपके जीवन में प्रधान रूप से आपके सामने रखने की कोशिश करता है। कहानी है 110 वर्ष पहले की, कहानी अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में एक प्रेमी और एक प्रेमिका होते हैं। प्रेमिका ये कहती है प्रेमी से कि मैं तुमसे विवाह तब करूंगी जब तुम संसार का सबसे अनमोल रत्न लेकर के आओगे। वो प्रेमी जाता है, एक माँ का बेटा मर गया है तो उसके आंसू लेकर के आता है, एक स्त्री विधवा हो गई है उसकी जो जीवन की कष्ट है वो लेकर के आता है। तो वो ये कहती है ये दुनिया का अनमोल रत्न तो है लेकिन सबसे अनमोल रत्न नहीं है। और वो कहती है कि इस बार अगर तुम अनमोल रत्न लेकर के नहीं आए तो मैं तुमको फांसी पर सजा दूंगी, क्योंकि वो मल्लिका है और राजकुमारी है तो ये सब आदेश दे सकती है। वो आदमी बहुत परेशान है, उसको एक फकीर मिलता है अफगानिस्तान में और वो कहता है कि तुम हिंदुस्तान जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान में इसका जवाब मिलेगा। वो हिंदुस्तान आता है, पंजाब के मैदानों में देखता है कि हज़ारों
वहाँ हिंदुस्तानी सिपाही मरे पड़े हैं, एक सिपाही जिंदा है, केवल एक। वो पूछता है कि क्या बात हुई, कैसी सारी सेनाएं कैसे समाप्त हो गई। वो कहता है कि विदेशियों ने आक्रमण किया था और हमारे लोगों ने गद्दारी की थी और हम लोग सारे मारे गए। वो क्या करता है, उसके शरीर से खून की एक बूंद लेता है, वापस अफगानिस्तान लौटता है और अपने प्रेमिका के हाथ पर उस खून की बूंद को रखता है। और वो खुद, वो मलिका, वो जो शहजादी है, वही ये कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन वो है जो खून का आखिरी कतरा देश के लिए बहता है और कहानी खत्म हो जाती है। आप देखिए ये जो कहानी है, और इस कहानी को जरा पढ़िए आप। मैं वास्तव में आपसे कहता हूँ, आपके मन में देश प्रेम की अद्भुत ज्वाला आपके अंदर पैदा होगी। तो साहित्य ये काम करता है कि साहित्य आपके मन में देश के लिए समर्पण की भावना, बलिदान की भावना, जो आज के समाज में सबसे सशक्त रूप हमको दिखाई देती है। तो ये साहित्य का काम है जो आपके अंदर एक नई चेतना को उत्पन्न करता है। एक कहानी और मैं सुनाता हूँ, दो तीन, जैसे मैंने आपसे कहा, एक ये भी कहानी 110 वर्ष पहले की है। आप देखिए आज भी कितनी रेलिवेंसी, किसी प्रासंगिकता इस कहानी में आपको दिखाई देगी। एक हिंदुस्तानी अमेरिका चला जाता है, आप जानते बहुत से लोग आज भी जा रहे हैं, वहाँ नौकरी करता है, व्यापार करता है, अरबों रुपये कमाता है। जब वो 70 वर्ष का होता है तब उसको अपने देश की याद आती है, वो सोचता है कि मुझे वो हिंदुस्तान लौटना चाहिए। उस जमाने में हवाई जहाज तो थे नहीं, तो वो पानी के जहाज से आता है और बम्बई के बंदरगाह पर उतरता है। उतर के बाद देखता है कि ये देश तो मैं छोड़ के गया ही नहीं था, मैं तो किस देश में आ गया। उसने देखा कि लोग सूट पैंट पहने हुए, सिगार पीते हुए मजदूर उसको दिखाई दे रहे हैं। बोले ये तो मेरा देश नहीं है, मैं किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। उसके बाद फिर वो अपने गांव जाता है, गांव में भी लोग उसको आश्रय नहीं देते, उसको मेहमान समझ के उसका सत्कार नहीं करते। अंत में वो हरिद्वार में गंगा के किनारे एक झोंपड़ी बनाता है, उस झोंपड़ी में रहता है। एक दिन सवेरे 4 बजे कुछ स्त्रियां पानी भरने की पनघट जाती हुई गीत गाती हुई जा रही हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये गीत वो गाती हुई जा रहे हैं। वो सुनता है और सुनते ही उसको लगता है कि अरे यही तो मेरा देश था जो मैं छोड़ के गया था। और उसके बाद वो बहुत तेजी से गंगा में कूद पड़ता है और गंगा में कूद करके उस गंगा के जल से वो अपना सारा लिपट जाता है और वो कहता है यही मेरा देश है, यही मेरा देश है, और यही मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग करूँगा, और कहानी खत्म हो जाती है। अब आप देखिए संस्कृति कैसे जीवित है साहित्य के द्वारा। मतलब जो आदमी अमेरिका गया था, बहुत से लोग जा रहे हैं, कुछ मेरे मित्र लौट करके भी आए हैं। मेरा भी छोटा बेटा अमेरिका में है, पहले तो कहता था कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वापस आने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ लोग वापस आए हैं, और इंग्लैंड से भी कुछ मेरे मित्र वापस आए हैं, और जीवन का अंतिम समय वो भारतवर्ष में गुजारना चाहते हैं। लेकिन आज से 110 वर्ष पहले यही चेतना मनुष्य को अंदर उद्वेलित कर रही थी कि मेरा जो सांस्कृतिक रूप में मेरे भारत 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 भूमि का जो मेरा संस्कार है, मेरे संबंध है, वो मेरे जीवन में अंतिम समय पर जीवित रहने चाहिए। तो साहित्य ये काम करता है कि साहित्य आपके मन में उस संस्कृति के मूल तत्व को जीवित रखता है, उस संस्कृति के साथ जीवित रहने की ताकत आपको देता है, और जिस संस्कृति में आप पैदा हुए हैं उसको जीवन के अंतिम समय तक भी आप अपने साथ लेकर के जीवन की जीने की आकांक्षा उत्पन्न करता है। एक कहानी में और आता हूँ आपको, और आपने देखा होगा कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप की बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। शायद संस्कृति की एक ऐसी स्थिति है कि हम उस पारिवारिक रिश्तों को तोड़ करके एक नया जीवन जीने की आकांक्षा में उत्पन्न हो रही है। पश्चिम में तो बहुत ज़्यादा है, भारतवर्ष में भी रोज अखबार में देखिए इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कहानी है 1936 की। मैं स्वयं कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कहानी कभी ऐसी कहानी, इस विषय की कहानी कभी प्रेमचंद ने लिखी होगी। कहानी क्या है, एक प्रोफेसर है और एक लेडी जो है वो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, उस जमाने में हाईली क्वालिफाइड वो लोग थे। वो ये निर्णय करते हैं कि बिना विवाह के हम साथ रहेंगे।
साथ रहते, उसके बाद उनके धीरे धीरे जीवन गुजरता है, उसके बाद क्या करते हैं प्रोफेसर साहब, उनकी जो स्टूडेंट होती है उसको लेकर के वो इंग्लैंड भाग जाते हैं, और डॉक्टर के उसके जो लड़की थी उसके जो अकाउंट्स में 20,000 रुपया था उसको भी निकाल करके वो इंग्लैंड चला जाता है। इस बीच में वो उसके जो रहने वाली लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी बच्चा हो जाता है। अब देखिए उसका जीवन कैसा है, कहानी का अंत क्या होता है, वो संस्कृति के तत्व से होता है। वो अपने बच्चे को गोद में ले हुए है और घर के छज्जे पर खड़ी हुई है और सड़क पर वो देखती है कि एक अंग्रेज कपिल एक बग्गी गाड़ी में अपने बच्चे को बैठा करके उसको घुमाते हुए लेते हुए जा रहे हैं और कहानी खत्म हो जाती है। मतलब जिस जीवन को यूरोपियन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन को, उस जीवन को समाप्त करके जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका अंत क्या होता है। तो कहानीकार ये बताता है कि इस संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका परिणाम क्या होने जा रहा है, और जिन लोगों की नकल पर हम ये कर रहे हैं वो स्वयं कैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये एक अद्भुत कहानी है जो 1936 में, जब मैंने इस कहानी पर थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि ये कल्पना उनको कैसे उनके उस जमाने में आई, तो इसकी मैंने थोड़ी खोज की। 1934 में प्रेमचंद बम्बई गए थे और बम्बई के सीधे संबंध पश्चिम के साथ थे, तो ये उनको प्लॉट, ये जो कथानक है उस समय तक पश्चिम के अंदर आ चुका होगा, तभी प्रेमचंद के मन में ये बात पैदा हुई। तो साहित्यकार बड़ा कॉन्शियस है कि संस्कृति में जब परिवर्तन आता दिखाई देता है तो अपने समाज को उसको जागृत करने की कोशिश करता है। और एक आखिरी कहानी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेखक कैसे संस्कृति के नए तत्व को पैदा करता है, कैसे नए मूल्य पैदा करता है, और कैसे समाज को संदेश देना चाहता है कि मनुष्य की जो मनुष्यता है वही सर्वोच्च मापदंड हो सकता है, वही सर्वोच्च दृष्टि हो सकती है। कहानी क्या है, एक बड़ा संपन्न व्यक्ति है, उसके एक आदमी नौकरी करता है। एक दिन वह कहता है कि साहब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता और मैं नौकरी छोड़ कर जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है भाई मेरे हाथों तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। वो कहता है साहब मैं एक ऐसी औरत से शादी करने जा रहा हूँ जो अपने पहले 3 पतियों को छोड़ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि आप बदनाम हो, इसलिए मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। वो नौकरी छोड़ के चला जाता है, फिर वो उसी स्त्री से शादी कर लेता है जो 3 पतियों को छोड़ चुकी है। एक दिन क्या होता है कहानी के कि बाजार में उसको वो नौकर मिल जाता है, उसकी गोद में बच्चा होता है, तो वो उससे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इसको तो मेरी नौकरी छोड़े हुए कुल 6 महीने हुए हैं, इसकी गोद में बच्चा कैसे हुआ है। खैर वो पूछता है कि भाई किसका बच्चा है, तो मेरी जनरेशन ऐसी थी, शायद आपकी तो नहीं होगी, कि अगर मैं अपने मेरी जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मेरी गोद में बच्चा है और कोई ये पूछ ले कि किसका बच्चा है तो मेरी जनरेशन ये कहती थी नहीं आप ही का बच्चा है, ये हमारी परंपरा में ट्रेडिशन में था, लेकिन अब शायद आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। तो उसने कहा बाबूजी आप ही का बच्चा है। बोले यार तो तुम्हारी शादी तो अभी 6 महीने पहले हुई थी। तो वो बेचारा गांव का आदमी था, बात को समझ में नहीं आई उसकी। तो थोड़ी देर के बाद उसके समझ में आया, बोला अच्छा बाबूजी ये बात पूछना चाहते हैं आप। तो उसने कहा बाबूजी ऐसा था कि मैंने खेत खरीदा था और उस खेत में किसी ने पहले से फसल बोई हुई थी, तो क्या है वो मेरी फसल मेरी नहीं होगी। जानने की बड़ी गंभीर बात है, यह मजाक की बात नहीं है। उसके बाद नरेटर ये कहता है कि उस व्यक्ति ने उसमें भगवान कृष्ण का रूप देखा और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसने कहा कि इससे बड़ी दिव्यता क्या हो सकती है, आप जरा देखिए नैतिकता का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है, उसने दूसरे पुरुष के पुत्र को अपना पुत्र बना करके जो महानता दिखाई है, ये है नया मूल्य नैतिकता का जो एक लेखक क्रिएट करता है, यही संस्कृति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद बहुत ज्यादा नैतिकतावादी लेखक थे। प्रेमचंद पूरी नैतिक जहां जहां उनके कैरेक्टर्स में से किसी ने भी स्त्री के साथ बदतमीजी की है उन्होंने उसको दंडित कराया है, लेकिन ऐसा करेक्ट ऐसा राइटर एक संस्कृति के मूल्य को बदल देता है।
ये है साहित्य की ताकत मित्रों। इसलिए आप ये समझिए कि साहित्य अगर श्रेष्ठ है तो संस्कृति भी श्रेष्ठ होगी, और यदि संस्कृति और साहित्य दोनों श्रेष्ठ है तो राजनीति की कोई ताकत नहीं है कि दोनों को वो भ्रष्ट कर पाए। इसलिए मेरा हर्ष केवल निवेदन यह है कि आज जो राजनीति है अगर वो श्रेष्ठ है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। नमस्कार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद।